वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। कई सारे लोग यूट्यूब चैनल हो या दूसरे माध्यम हो उसमें भ्रम फैला रहे हैं कि सर्वे का काम जो है ये बहुत आसानी से हो जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि बिना कागजात जमा किए ही आपका सर्वे हो जाएगा। तो आप कभी भी भ्रमित ना हो, क्योंकि सपोज कोई एक प्लॉट है, वहां सर्वे टीम आकर के कहती है कि किसका प्लॉट है, वहां पर कोई आदमी एक्स वाई जेड जाके कह देता है कि मेरा प्लॉट है और नाम लिख के दे देता है, चौधरी लिख के दे देता है, तो क्या सर्वे कर्मचारी सर्वे टीम उसके नाम से वो कर देगी प्लॉट, उसके नाम से हो जाएगी सर्वे? खुद ही सोच के देखिए, ये नामुमकिन है। याद रखें, जो सर्वे के लिए जो नितांत आवश्यक है, जो मैंने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, जो 4-5 डॉक्यूमेंट्स है उसको वो जरूर वेरीफाई करेंगे, चाहे आपके सामने करें या बैक ऑफिस में बैठ करके करें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सभी कागज मौजूद है और आप जो देंगे तो उसका भी वो मिलान करेंगे, तभी आपके नाम पर वो प्लॉट सर्वे करेंगे। तो सर्वे को स्वामित्व प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो केवाला डीड कहा जाता है वो रजिस्टर डीड चाहिए, उसके बाद जो म्यूटेशन, इसको जमाबंदी भी कहते हैं, वह चाहिए, उसके बाद राजस्व रसीद। तीन चीज ये आपको मस्ट है। उसके बाद आपकी स्वघोषणा प्रपत्र 2 में होनी चाहिए। और इस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं उसको जो सर्वे कर्मचारी है, जो ऑफिसर्स है, उसको अपने ऑफिस में मिलान करेंगे, अपने रिकॉर्ड से मिलान करेंगे। यदि मिलान टेली हो जाती है तो आपका सर्वे ओके है, वरना सर्वे पेंडिंग में हो जाएगी। उसको याददाश्त पंजी कहते हैं, या फॉर्म 4 में रिमार्क में डाल करके छोड़ दिया जाएगा। मान लिया आपने कहीं पर रकबा लिखा आपने 20 डेसिमल और सरकार के रिकॉर्ड में 10 डेसिमल है, तो क्या यह उम्मीद करते हैं कि आपकी जमीन की सर्वे 20 डेसिमल की होगी? कभी नहीं। ये आपकी सर्वे जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स है, बिहार गवर्नमेंट के, उसी रिकॉर्ड के हिसाब से ही होगा। और यदि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप नहीं देते हैं, जैसे डीड की कॉपी, म्यूटेशन, ये सब जो कॉपी होती है वो सब नहीं देंगे, रजिस्टर 2 कॉपी नहीं देंगे, तो नेचुरली वह पेंडिंग में हो जाएगी और इस पर गवर्नमेंट की क्लेम रहेगी। मान लिया कि जैसे कोई 3 भाई है और एक भाई ने बहुत सारे जमीन का रजिस्ट्री करा लिया, जब एक आदमी को पता चला तो उसने उस पर क्लेम डाल दी और जिसने रजिस्ट्री कराया है उसका म्यूटेशन नहीं हो पाया, म्यूटेशन रद्द हो गई। अगर वह आदमी जिसने रजिस्ट्री कराया हुआ है अगर उस रजिस्ट्री को जाके दिखा देता है कि साहब ये हमारी प्रॉपर्टी है, देखिए हम रजिस्टर करा हुआ है, तो क्या वो सर्वे कर्मचारी मान जाएंगे उसको? तो उस भाई के नाम से क्या रजिस्टर खाता खतियान खोल देंगे? कभी नहीं खोलेंगे, याद रखिए, क्योंकि उनके पास डीड है बट म्यूटेशन की कॉपी नहीं है, म्यूटेशन रद्द हो चुकी है या उस पर किसी तरह की क्लेम है, तो वो ऑब्जेक्शन में जाएगी और जो पुराने रैयत के नाम है सिर्फ उसके लिए जिसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो जो पुराने रैयत का नाम है उसके नाम से ही दर्ज की जाएगी। पर खानदानी प्रॉपर्टी है जो 4 पीढ़ी से चली आ रही है उसको खानदानी प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर वैसे में आप वंशज का जो रिलेशनशिप है वो नहीं दिखाएंगे, उसके बाद जो वंश वृक्ष ट्री है उसमें फॉर्म 3(1) में जो कि आपकी वंशज की जो फैमिली ट्री बनती है, वंशावली, उसको आप जब सभी का सहमति होगा, सभी के उस पर हस्ताक्षर होंगे और जो बंटवारा का शेड्यूल होगा, तभी जाकर के आपको अलग अलग नाम से रैयत का जो बंटवारा है, खाता खेसरा सब अलग अलग खुलेगी अकाउंट्स। यदि उसमें मान लिया कि कोई भी एक फरीक या कोई भी एक शेयर होल्डर्स जो कि पुराने खानदानी जमीनों का या प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखता है,
उसमें ऑब्जेक्शन है उसकी, तो उसको ज्वाइंट प्रॉपर्टी में ही दर्ज कर दिया जाएगा, ये सरकार का आदेश है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका है कि सहमति बंटवारा और शेड्यूल लगाइए, तब जाकर के उसमें अलग अलग नाम से खुलेगी। तो कई यूट्यूबर्स इसमें भ्रम फैला रहे हैं कि कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं है, आपका सर्वे घर बैठे हो जाएगा। तो इस सोच को निकाल दीजिए, जितनी कागज ज़्यादा से ज़्यादा कागज हो सके उसको इकट्ठा कीजिए, कहीं से भी इकट्ठा कीजिए, जैसे भी इकट्ठा कीजिए, आपके हित में रहेगी, और सर्वे में भाग लेकर के अपना काम कराइए। सर्वे चूंकि एक गवर्नमेंट की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इससे नेचुरली केस मुकदमे में काफ़ी कमी होगी, और जो स्वामित्व जो असली जमीन के मालिक है स्वामित्व, उसका इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। फर्दर कोई भी सेल परचेज होती है तो उसमें मैल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में अगर सही सही सर्वे होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी भविष्य के लिए। अब आगे हम देखेंगे कि श्री अरुण कुमार सिंह जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू एंड लैंड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, उन्होंने कहा है कि म्यूटेशन और परिमार्जन में जो कमी जो गलतियां हैं उसको बहुत सुचारू रूप से हम बहुत तेज़ी से काम करा रहे हैं ताकि रैयतधारी को कोई दिक्कत नहीं हो। बट जो वास्तविक चीज़ है, जब आप धरातल पर जाएंगे, जब गांव में अपने ज़मीन पर जाएंगे, गांव के लोगों से पूछेंगे, मैंने इसे खुद भी इंक्वायरी की है, तो पता चला है कि ये जो ऊपर के लेवल के जो अफसर या नेता कह रहे हैं कि हमारी जो काम है बहुत तेज गति से चल रही है, हवाई जहाज़ की तरह चल रही है, और जनता जनार्दन को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सर्वे हो जा रही है फेयर एंड, तो बट उसमें बिल्कुल ये साइट पर बिल्कुल ये असत्य बातें हैं। कहीं भी कुछ इस तरह से द्रुत गति में फेयर रूप से काम नहीं हो पा रही है, और ग्रामीणों को और जो रैयतधारी है जो जमीन के मालिक है उनको वास्तव में डिफिकल्टी फेस कर रही है किसी भी कागज को निकालने के लिए। कागजों का जो हर जगह जो शिकायतें प्राप्त हो रही है, और हम लोग का म्यूटेशन और परिमार्जन में जो कमी दिखाई दे रही है उसी पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे रैयतों के हित में जल्द से जल्द इस सिस्टम जो ऑनलाइन सिस्टम है जैसे उसको दुरुस्त किया जाए और तेज़ी से लोगों को इसे कार्य हो सके, यही मेन उद्देश्य है। इसमें हम लोग जांच किए, म्यूटेशन भी किए, परिमार्जन भी किए, नापी। आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे जितने भी राजस्व विभाग के सेवाएं हम लोग सेवा देते हैं, हमारी योजनाएं बहुत कम है, खासकर जमीन देने की एक योजना है अनुसूचित जनजाति और भूमिहीनों के लिए, लेकिन जो 12 हमारी सेवाएं हैं जो हम लोग सभी रैयतों को देते हैं उसको वो सभी ऑनलाइन है। ऑनलाइन देने के पीछे यही मंशा है कि लोगों को ब्लॉक अंचल तक आना कम पड़े। श्री अरुण कुमार सिंह ने माना कि कागजी जमीन की जो कि कागज पर लिखे हुए जो डिट थे उसको जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया तो उसमें बहुत सारे गलतियां पाई गई है। मान लिया कि जो ऑपरेटर है उसकी निगरानी के लिए किसी को नहीं रखा गया था, उन्हें ठीक से हिंदी भी शायद पढ़ने नहीं आता था कि हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। सपोज हिंदी में अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको 9 पढ़ते थे, अगर आपकी खेसरा नंबर 1050 दर्ज है तो उन्होंने कर दिया है 9050। ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, जो पुराने दस्तावेज है उसको जब डिजिटल फॉर्म में लाया गया तो सही रूप से नहीं लाया गया, और जल्दी जल्दी करके काम निपटाने के चक्कर में जो ऑपरेटर है पूरे बिहार की रैयतों का बहुत सत्यानाश कर दिया। इसमें सैकड़ों हजारों आप देखेंगे कि जो परिमार्जन प्लस 2 है उसमें आपकी कंप्लेंट्स है, बहुत को खाता खेसरा छोड़ दिया गया है, और है भी तो किसी किसी को बिल्कुल गलत ढंग से उसमें दर्ज किया गया है, नाम में गलत है, जाति भी गलत है। अब देखिए जो सचिव साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही आसान काम है, और सीओ को आप एप्लीकेशन दीजिए परिमार्जन प्लस में, और सीओ देर एंड देयर सभी चीजों को करेक्ट कर देते हैं। तो क्या श्री अरुण कुमार सिंह ने माना कि कागजी जमीन की जो कि कागज पर लिखे हुए जो डिट थे
उसको जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया तो उसमें बहुत सारे गलतियां पाई गई है। मान लिया कि जो ऑपरेटर है उसकी निगरानी के लिए किसी को नहीं रखा गया था, उन्हें ठीक से हिंदी भी शायद पढ़ने नहीं आता था कि हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। सपोज हिंदी में अगर एक लिखा हुआ है तो उसको नौ पढ़ते थे, अगर आपकी खेसरा नंबर 1050 दर्ज है तो उन्होंने कर दिया है 9050। ऐसे में मान लीजिए कि आपका खेसरा नंबर 6 हिंदी में अगर 6050 लिखा हुआ है तो वो इंग्लिश में उसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको मान लिया कि आपका खेसरा नंबर हिंदी में 7050 लिखा हुआ है बट उसको जब हिंदी में पढ़ेंगे तो वो 6 दिखाई पड़ेगी, तो उन्होंने 6050 को दर्ज कर रखा है। ऐसे में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, जो पुराने दस्तावेज है उसको जब डिजिटल फॉर्म में लाया गया तो सही रूप से नहीं लाया गया और जल्दी जल्दी करके काम निपटाने के चक्कर में जो ऑपरेटर है पूरे बिहार की रैयतों का बहुत सत्यानाश कर दिया। इसमें सैकड़ों हजारों हजारों आप देखेंगे कि जो परिमार्जन प्लस टू है उसमें आपकी कंप्लेंट्स है, बहुत को खाता खेसरा छोड़ दिया गया है और है भी तो किसी किसी को बिल्कुल गलत ढंग से उसमें दर्ज किया गया है, नाम में गलत है, जाति भी गलत है। अब देखिए जो सचिव साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही आसान काम है और सीओ को आप एप्लीकेशन दीजिए परिमार्जन प्लस में और सीओ देर एंड देयर सभी चीजों को करेक्ट कर देते हैं, तो क्या आपको ये सही है? क्या आपने देखा है कि सीओ कहीं भी आपकी एप्लीकेशन दिए और हफ्ते दो हफ्ते के अंदर कर दिए? मैंने तो नहीं सुना है। अगर आप किसी का काम निकल गया होगा तो अपने कमेंट्स में बताइए। अभी हम लोग का लगान जो वसूली हो रही है ऑनलाइन हो रही है और 50% से अधिक हम लोग का टारगेट पूरा हो रहा है ऑनलाइन, तो परिमार्जन जो है उसको भी हम लोग सुधार रहे हैं कि परिमार्जन हो जाने पर लगान वसूली का भी हमारा संख्या और बढ़ रही, क्योंकि कहीं कहीं मिस्टेक है जब डिजिटल रूप से ऑपरेटर द्वारा किया जा रहा था तो उस समय कहीं कहीं टोटल लगान नहीं किया गया है और कई नामों में कमी होने के चलते वो नहीं हो रही, ऐसी शिकायतें मिल रही। श्री अरुण कुमार सिंह ने माना कि कागजी जमीन की जो कि कागज पर लिखे हुए जो डिट थे उसको जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया तो उसमें बहुत सारे गलतियां पाई गई है। मान लिया कि जो ऑपरेटर है उसकी निगरानी के लिए किसी को नहीं रखा गया था, उन्हें ठीक से हिंदी भी शायद पढ़ने नहीं आता था कि हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। सपोज हिंदी में अगर एक लिखा हुआ है तो उसको नौ पढ़ते थे, अगर आपकी खेसरा नंबर 1050 दर्ज है तो उन्होंने कर दिया है 9050। ऐसे में रही है कि जो डिमांड रजिस्टर है उसमें लोग जो परिमार्जन करके दे रहे हैं तो बताया जा रहा है कि आपकी पेज नहीं है, अब कैसे उसको सुधार करें, इस पर क्या कहना है? पेज ही गायब है सर। अब जब मंदिर अगर पेज फटा हुआ है या खराब नष्ट हो गया है तो ऐसी स्थिति में सीओ ही हमारे विभाग के सबसे इस कार्य के लिए सक्षम पदाधिकारी है, वो जाएंगे स्थल निरीक्षण देंगे, उनके पुराने रैयत को बुलाएंगे, उनके पास डीड होगा, पुराना रसीद होगा, कब तक रसीद होगा, जब तक रसीद वो देंगे और उस पर दखल कब्जा है उसी जैसे कि दाखिल खारिज जो होता है वही जमबंदी है, और वो जमबंदी फटी होगी तो एक बार पुनः स्थल निरीक्षण करके उसको पुनः जमबंदी कायम की जाए। जमबंदी कायम करना सीओ के लिए बहुत आसान काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका उस जमीन पर मालिकाना हक होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए और उस पर दखल कब्जा होना चाहिए, ये दो चीज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया बन जाएगा। अब देखिए सचिव साहब को जो एडिशनल सेक्रेटरी है उनका कहना है कि जो आपकी राजस्व की जो वसूली हुई है बिहार में यह है 50-55% के दर से हुई है, यानी कि जो राजस्व गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। इसका मुख्य वजह है जवाबंदी में खाता खेसरा गलती की होना। जब खाता खेसरा गलती है तो कोई घर बैठे या किसी कंप्यूटर कैफे से ऑनलाइन रसीद कैसे काट सकता है? तो ऐसे में सरकार को खजाना राजस्व जो है जमा नहीं हो पा रही है, उसकी बहुत चिंता है। बट ये
ये चिंता नहीं है कि जो हमारे पब्लिक है उस पर क्या असर पड़ रही होगी, उनकी मानसिक परेशानी क्या हो रही होगी जब वो डिजिटल फॉर्म में अपना खाता खेसरा नहीं देखते हैं और प्लॉट ही उनका गायब है, और जब परिमार्जन प्लस में देते हैं तो उनकी सुनवाई को सालों हो जाती है पर ना कोई उनको नोटिस मिलता है, नहीं कार्रवाई की डेट स्थित की जाती है और जस का तस पड़ा हुआ रहता है। तो सचिव साहब ने जिस तरह से कहा कि ये बहुत आसान काम है और बहुत द्रुत गति में हो रही है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल निराधार है। कहीं भी इसमें कोई भी एक नया पैसा का सत्यता नहीं है, द्रुत गति से कोई भी फेयर काम नहीं हो रही है। हाँ, जो पैसे वाले हैं वो जिनके पहुंच है अंडर टेबल पैसे दे करके या किसी के दबाव में वो काम करा लेते हैं सीओ से या कर्मचारी से, ये बात सत्य है। अब आगे देखिए, मिस्टर अरुण सिंह एडिशनल सेक्रेटरी बिहार भूमि सुधार में उन्होंने कहा कि परिमार्जन प्लस में कई सारे रजिस्टर टू के पेज फटे हुए हैं। जब रजिस्टर टू जामवद्दी के पेज फटे हुए हैं तो परिमार्जन प्लस में यदि पब्लिक आवेदन भी देता है तो उसका मिलान नहीं होने के कारण ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाता है और उसका निदान नहीं हो पाता है। उस क्रम में एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये काम जो है बिल्कुल जो अंचल अधिकारी है उसके लिए बहुत ही आसान काम है और आसानी से कर देते हैं। वे जाते हैं साइट पर, रैयतों को बुलाते हैं, उनको डीट देखेंगे, उनका जहां तक रसीद कटा हो वो देख लेंगे, उनका दखल कब्जा देख लेंगे और हाथों हाथ वो उसकी जामबंदी रजिस्टर कायम कर देंगे। जब जामबंदी रजिस्टर कायम कर दिए तो ऑटोमेटिक आपको डिजिटलाइजेशन भी हो गई और सारे काम सुचारू रूप से होंगे। आप ऑनलाइन रसीद भी काट सकते हैं, अपने प्लॉट अपने जमीन का ऑनलाइन देख सकते हैं। तो क्या अंचल अधिकारी आपने कहीं देखा है, क्या सुना है कि अंचल अधिकारी जो आवेदन है उस आवेदन के आधार पर वो साइट पर जाते हैं, फील्ड में जाते हैं और सभी को बुला करके डिट के देख करके जो कानून की प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए जमीन का जमाबंदी कर देते हैं? तो मैंने तो सुना नहीं, कि आपने सुना है तो अपने कमेंट में दीजिए। तो जो ये चीज़ें अपर सचिव या एडिशनल सेक्रेटरी साहब भूमि विकास गवर्नमेंट की, जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म की जो ये चीज़ें कह रहे हैं कि ये सीओ के लिए बहुत ही हल्का काम है, बहुत ही आसान काम है और वो करते हैं, तो ये तो कहीं भी ये चीज़ें बिल्कुल सत्य से परे है। और जमीन पर या धरातल पर जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें कितनी फर्जीवाड़ा हो रही है और काम किस गति से चल रही है, कितनी स्लो गति से चल रही है। तो कम से कम एडिशनल सेक्रेटरी साहब को कम से कम विजिट करके अंचल में या गांव में विजिट करके उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, क्योंकि उनकी सैलरी जो है पब्लिक के पैसे से ही मिल रही है और वहाँ बैठ के जो वक्तव्य देते रहते हैं कि हमारी सरकारें बहुत अच्छे से चल रही है, हमारे लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इस चीज़ को कम से कम गांव में विजिट करके, सीओ अंचल में विजिट करके, रिकॉर्ड को चेक करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर। यदि आप चैनल नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन कुछ डालिए, कमेंट्स डालिए, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। हम एक नए अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे। इंजीनियर हरी, जय हिंद।